सो हे गाइस, फाइनली टीवीएस ने अपाचे आरटीआर 164V को एबीएस के साथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। प्राइस रिवील्ड कर दी है। इस गाड़ी के अंदर जो है सिंगल चैनल एबीएस दिया गया है। 7,000 रुपीज प्राइस बड़ी है और अभी सिर्फ इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट यानी कि FI डबल डिस्क के साथ में जो वेरिएंट आता था उसके अंदर इस गाड़ी को लॉन्च करा है एबीएस के साथ में। 98,644 रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस रखी है टीवीएस ने इस अपाचे आरटीआर 164V FI एबीएस की। तो गाड़ी के अंदर जो है ABS आने के बाद में 7,000 रुपीज प्राइस हाइक हुई है। कार्बोरेटर वाला वर्जन के अंदर ABS कब आएगा ये अभी तक कोई डिस्क्लोज नहीं की है न्यूज़। जिस ही मुझे अपडेट्स मिलती है मैं आप लोगों के साथ में इंस्टाग्राम पे जिससे सबसे पहले शेयर करता हूँ न्यूज़, तो वहाँ पर शेयर कर ही दूंगा। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वीडियोज़ अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वहाँ पर सबसे पहले जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले मैं पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर आप जाके मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर और कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं एज ऑफ नाउ। जो है मैकेनिकली स्पैक्स वगैरह जो है सभी चीज़ें सेम है। 159cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन इस गाड़ी के अंदर आता है और 16.6 BHP की पावर 14.8 Nm ऑफ टॉर्क के साथ में ये गाड़ी जनरेट करती है। साथ ही टायर साइज सस्पेंशन साइज वगैरह सेम है। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है। गाड़ी के अंदर कोई कलर कोई ग्राफिक्स के अंदर चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ABS इस गाड़ी के अंदर अब आपको देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी की डिलीवरी जैसा कि मैंने आप लोगों को कमेंट्स में आप लोग पूछते थे मैंने आपको बताया था कि मार्च में गाड़ी आ जाएगी और मार्च में गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप गाड़ी को जो है जाके बुक करवा सकते हैं। थोड़े टाइम में जो है डीलर्स के पास में भी कंप्लीट डिटेल जो है इस गाड़ी की आ जाएगी। और अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां जाके आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये डिटेल थी 2019 TVS Apache RTR 164V ABS की। गाड़ी की प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी है। स्पेक्स वाइज गाड़ी सेम है, डायमेंशंस वाइज सस्पेंशन टायर्स वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो अब कार्बोरेटर वाले वर्जन में जैसे ABS आता है मैं आप लोगों को अपडेट्स जो है दे दूंगा। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड ऐसी न्यूज़ रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो मैं यहाँ पर रोज अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ फ्रेंड्स, drive safe.